भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, बीजेपी ने पोलराइज करने की कोशिश की, बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की भी कोशिश की। तमाम चीजें होने के बाद ये जो खेला होबे है, ये बंगाल से बाहर के लोगों को तो सिर्फ इतना समझ में आ रहा था कि खेला होबे कोई खेल होना है। क्या था ये नारा और किस तरह से ये काम कर गया? देखिए, सबसे पहले ममता बनर्जी समझ गए थे कि ये खेला होबे, ये जो गाना, इट्स ए वेरी सडन डिस्कवरी, क्योंकि जिसने ये गाना गाए थे और ये लिरिक्स आप सब दिए थे, वो खुद तृणमूल में कैंडिडेट नहीं हो पाया, लेकिन वो जो एकदम यंग स्टार, ये जो गाना इतना पॉपुलर और हिट हो गया, तो ममता बनर्जी जब रैली में गए, एक रैली में जाके देखा कि इसमें एक यूथ जेनरेशन जो है, वो पीढ़ी बहुत एंथुजियास्टिक हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, वो जो गाना था उसको पीके के साथ भी बातचीत किए हैं और पीके ने इसको प्रोफेशनली सोशल मीडिया में, टेलीविजन चैनल में, मान लीजिए एक रैली दिखा रहे हैं ममता बनर्जी का स्पीच, बीच में वो गाना हो रहा है, तो इसको पॉपुलराइज किया बहुत सोच समझ के। और मुझे तो लगता है कि पीके का भी रोल आपको मानना पड़ेगा कि ये जो फॉल्ट लाइंस था ना ममता बनर्जी के गवर्नेंस के इश्यूज में, ये सब, ये अच्छा खेल जो है पश्चिम बंगाल में, आप जानते हैं फुटबॉल क्रिकेट, ये कितने फुटबॉल लवर्स हैं जो खेला होबे, और खेला को नेगेटिव वे में बीजेपी का जो कैंपेन है उसमें और ज्यादा इस इशू में पोलराइजेशन हो गया, इसमें भी पोलराइजेशन हुआ, क्योंकि खेला था कोई 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 डार्टी वर्ड नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर राजनीतिक खेला, और रविंद्रनाथ के टैगोर के गाना में बहुत सारे जगह खेला वर्ड जो है वो जिंदगी का बहुत सारे फिलोसॉफी के साथ कनेक्टेड था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीएमसी का जो यूथ जनरेशन वो इतना टैगोर का फिलोसॉफी को ध्यान में रखते हुए गाना लिखा, लेकिन ये जोश जिसको कहता है ना एंथुजियाज्म, ये एक वाइब्रेशन जो न्यू जनरेशन को मोबिलाइज करने में वोकल टॉनिक, जैसे फुटबॉल में हम लोग कहते थे कि वोकल टॉनिक दिया जाता था कोच के तरफ से, तो वो ये इट्स लाइक ए पॉलिटिकल वोकल टॉनिक ऑफ ममता बनर्जी, और ये सफल भी है ये स्लोगन। ठीक सुनील जी, सुनील जी क्या सोप ऑपेरा में भी ये गाना इस्तेमाल जी, सुनील जी क्या लगता है आपको, क्या वो एक ऐसा बिंदु था ममता बनर्जी का जो यहां काम कर गया? ये सिर्फ ममता बनर्जी की बात नहीं है, प्रशांत किशोर भी उसमें हैं, और उन्होंने अभी एक बड़ी अच्छी इंटरव्यू दी और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कीचड़ से निकाल के उसका सही मुंह देश की जनता के सामने रखा। मैं तो एक चीज जानता हूं, ममता बनर्जी की जो इसमें क्वालिटी थी वो ये है, जब हम कहते हैं हिम्मत मर्दान मदद खुदा, उसके कुछ मायने हो, मैं तो एथियस्ट हूं, पर मैं जानता हूं कि आप में हिम्मत है, तो जो भी भगवान होगा, मिट्टी का हो या तांबे का हो, वो भी आपके साथ चलेगा। तो मेरा ये कहना है, इसने दिखा दिया है 500 इलेक्शन में कि आप हिंदुस्तान की जनता को एक इलेक्शन जीतने के लिए मरवाते हैं कोरोना के बीमारी से, तो मेरा कहना है आज हमारे भाई बंधु इंटेलेक्चुअल इतने मर गए हैं, आज उनको पूरी तरह से उनका जवाब मिल गया है, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये हुआ है। और ये भी आप समझ लीजिए, केरला में हमने इतिहास सुना था, जो चीज कभी लोग मानते नहीं थे कि होती है, हमने करके दिखा दी है। केरला हिंदुस्तान के नौजवानों ने, बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिले, बहुत सारे लोगों को ये हुआ जो बूढ़े हो चुके हैं। मेरा ये कहना है नौजवान भारत बीजेपी का मुकाबला मजबूती से, लेफ्ट कैसे गायब हो गया सुनील जी, लेफ्ट लेफ्ट का कैसे सुपड़ा साफ हो गया, कौन कहते हैं हो गया, हमारी लाइन बंगाल के लिए बीजेपी राव और बीजेपी हार गई है। मतलब ये कि आपने खुद ये कहा सुनील जी कि आप ममता को वोट दे दीजिए,
बीजेपी को रोकना है तो सिर्फ ममता को वोट दे दीजिए, हमें मत दीजिए, हम तो जीत ही नहीं रहे। मतलब आप जीतने के लिए नहीं लड़े। नहीं है, अगर आप यही कह रहे हैं तो आप राजनीति जानते नहीं। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि हम एक ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिससे लोग मान जाएं, ये लोग इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं मानते। 350 किसान दिल्ली में मरता है, आप समझिए किसान की मौत की वोट को गई होगी कि और को उनको दिखा दीजिए कौन जीतेगा। वो किसानों की जवाब दिया गया है बंगाल। ठीक है सुनील जी, आज तक बांग्ला जानून सब खबर सवार आगे। सब्सक्राइब करुन आज तक बांगला, बेल आइकन प्रेस करते भूलें ना।